जब कभी अपने ही पिछले जीवन को झांकेंगे और जिसके लिए मैंने कहा कि आत्मावलोकन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, तो फिर अपने ही विषय में जानकारी होने लग जाएगी और जितनी आत्म जागरूकता के साथ ये काम करेंगे, जितनी सजगता के साथ इस चीज़ को हम समझेंगे, तो क्या पाएंगे कि हमने जो धारणाएं बना रखी हैं, हमारी जो कुछ आदतें हैं, जिसको मैंने कहा कि जो हमारी स्क्रिप्ट है, जो हमने एक अपने लिए एक धारणा बना रखी है, वो क्या है? वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो प्रभावकारी नहीं है। और ऐसा लगेगा जैसे हमारे अंदर में कुछ ऐसी आदतें हैं जो गहराई से जड़ जमा चुकी हैं, जो सही नहीं है और उसके सामंजस्य में नहीं है जिसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसे हम जीवन में पाना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, उसके अनुकूल नहीं है। ऐसी कुछ आदतें आप जब देखने लगेंगे तो पता चलेगा, अरे नहीं, ये तो काम की नहीं है, ये तो बल्कि विरोध में ही है। इसलिए जब ये हम जानेंगे कि जिन्हें हम सचमुच महत्व देते हैं ये उनके सामंजस्य में नहीं है, तो इसका मतलब जब ये पता चलेगा तब इन आदतों के साथ जीना की कोई जरूरी नहीं है कि हम इसके साथ जीते रहें। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि एक बार जो हमने धारणा बना ली है उसे ही सच मान करके जीवन पर्यंत निभाते चलें। हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, हम उसमें फिर से कल्पना करके, जैसे कि भविष्य की कल्पना करके, और जिसके लिए मैंने कहा था ना अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, मतलब जो हम चाहते हैं, और फिर से यदि आप याद करें उस अंत्येष्टि वाली बात को जो आप लोगों के द्वारा अपने विषय में सुनना चाहते हैं, वो जो जीवन मूल्य हमने निर्धारित किया है, तो उसके लिए जब कल्पना करेंगे तो एक रचनात्मक प्रयोग करके जब हम क्या करेंगे, एक नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एक नया अपने संबंध में एक नए विचार का गठन कर सकते हैं, जिसको आज की भाषा में कहें तो रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप। अब क्या होगा, ये फिर बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रभावकारी होगा, बल्कि जो गहनतम मूल्यों तथा हमारे जीवन मूल्यों को अर्थ देने वाले सही सिद्धांतों के अधिक सामंजस्य में भी होंगे, ये अधिक सामंजस्य में भी होंगे। कहने का मतलब यह है कि जब हम इस चीज को देखेंगे ना, तो बात अपने आप पता चलने लगेगा कि सचमुच हमने क्या क्या गलतियां की हैं। जैसे एक विचारक हुए हैं मैल्कम मगरीज, उन्होंने 20th century टेस्टमोनी, 20वीं सदी की सच्चाई, उनमें लिखा है उन्होंने, जब मैं आजकल अपने जीवन को पलटकर देखता हूँ, जो मैं कई बार करता हूँ, तो मुझे सबसे प्रबल विचार यह आता है कि जो उस वक्त महत्वपूर्ण और आकर्षक लग रहा था, अब सबसे निरर्थक और मूर्खतापूर्ण नजर आता है। उदाहरण के लिए, हर रूप में सफलता, लोकप्रियता और प्रशंसा पाना, स्पष्ट खुशियां जैसे पैसे हासिल करना, या सुंदरियों को प्रेम जाल में फंसाना, या यात्रा करना, शैतान की तरह दुनिया भर की सैर करना, दुनिया के मेले में मौज मस्ती के हर साधन का स्वाद चखना और अनुभव करना, अब अवलोकन करने पर आत्मसंतुष्टि के ये सारे प्रयास विशुद्ध कल्पना लगते हैं, या
जिसे पास्कल ने धूल चाटना कहा है। ऐसा लगेगा जैसे हम धूल चाट रहे थे। मतलब यह है, जब ये पता चले, और कब पता चलेगा, जब आप इसको झांकेंगे, तो इसे बदल करके नए जीवन का निर्माण करें और हम एक नया समापन ऐसा करके कर पाएंगे। और इसी के लिए मैंने कहा कि भाई एक व्यक्तिगत स्टेटमेंट, जिसको मैंने ये भी कहा था कि व्यक्तिगत संविधान, जैसे देश का संविधान होता है, तो देश का संविधान का मतलब है संविधान वह मानक है जिसके आधार पर देश के कानून का मूल्यांकन किया जाता है। यह वह दस्तावेज है जिसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय, जो चाहे वो प्रधानमंत्री हों, अन्य मिनिस्टर हों, राष्ट्रपति हों, वो क्या करता है, उसकी सुरक्षा शपथ लेता है और उसके पालन, रक्षा, पालन तथा समर्थन के लिए सहमत होता है। इतना महत्वपूर्ण है ये। जब सामाजिक द्विधा और परिवर्तन के दौर में भी यह संविधान ही है जो सही निर्णय का आधार बनता है। एक राष्ट्रपति ने लिखा है कि लिखित संविधान होने में ही हमारी विशेष सुरक्षा है। इस बात को कहने में मुझे संकोच नहीं है कि मैं सचमुच अपने लिए भी आज तक के ऐसा कोई लिखित संविधान व्यक्तिगत रूप से नहीं बनाया है। इस बात को कहने मुझे एक प्रकार से लज्जा सी भी लगती है, क्योंकि जितनी गहराई से, पहले भी मैंने इस विषय को कई बार पढ़े हैं पुस्तकों में, लेकिन जितनी गहराई से अब की मैंने इसका अध्ययन किया है, और ख़ास करके जब ये कहने की बात आई तब भी, और वक्त भी रहा, और इतनी गहराई से मैंने अध्ययन किया, तो ऐसा लगा जैसे पढ़ते समय तो कई बार लगता था गाल में जैसे कोई चाटा मार रहा हो, और ऐसा भी महसूस होता था कि लगता है जैसे मैंने अभी तक साधना की शुरुआत ही नहीं की है। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि क्या हम कर रहे थे, जो सचमुच इतना महत्वपूर्ण जीवन मिला उसको हमने कैसे यूं ही बर्बाद करते रह गए। तो ये काम सचमुच मैं नहीं कर पाया, लेकिन ये बात तो समझ में आती है कि ये हमें जानने चाहिए। उन्होंने कहा कि लिखित रूप में रख लीजिए, जो लिखते हैं ना, तो लिखने के बाद में एक प्रकार से आप एक्शन में आ जाते हैं। खैर, इस संबंध में फिर से चर्चा करूंगा। कहने का मतलब है कि अब इसका मतलब नहीं कि इसको पढ़ रहा हूं तो मैं बड़ा ज्ञानी हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा जानते हैं ना, उतना ही ज्यादा आपको पता चलता है कि आप नहीं जानते हैं। मतलब जितना आपका ज्ञान का दायरा बढ़ता जाएगा, उतना ही अज्ञान का दायरा बढ़ता जाएगा। अभी शायद ये बात मैं समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये आप मान के चलें, शिक्षा हमारे खुद के अज्ञान का बढ़ता हुआ ज्ञान है। मैं कई बार इसको एक गोला बना के बताता हूं लोगों को कि कैसे हम जो जानते हैं वो कितना कम है, कितना कम है, और बहुत सी चीजें हैं जिसे हम यह जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम नहीं जानते कि नहीं जानते। ये बात पहुंच रही है मैं क्या कह रहा हूं? हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते हैं। कुछ चीजों को तो हम यह जानते हैं कि जानकारी है, और कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में यह जानते हैं कि इसे हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में हमारी नॉलेज नहीं है। चाहे मुझे फ्लाइट चलाने की बात आए, या विदेशों की बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। इतना मुझे पता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन हम बहुत सी चीजों के बारे में नहीं जानते कि नहीं जानते। ये बहुत ज्यादा है। मतलब जितना आप जानने लगेंगे, उतना ही आपका अज्ञान का वृत्त और बढ़ता चला जाएगा। आपको लगेगा ओफ, हजारी प्रसाद देदी ने लिखा है, पुस्तकालय में जाके पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। जब आप पुस्तकालय में जाएंगे तो पता चलेगा हम कितना कम जानते हैं। बहरहाल, यहाँ का प्रसंग है कि व्यक्तिगत संविधान
हमारे जीवन को दिशा देने वाले बड़े निर्णय का आधार बन जाता है। हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों तथा भावनाओं के बीच यह रोजमर्रा के निर्णय लेने का आधार बन जाता है। यह हमारी जीवन दृष्टि तथा जीवन मूल्यों की ठोस अभियुक्ति बन जाता है। यह वह पैमाना बन जाता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन की हर अन्य चीज का मूल्यांकन करते हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसा करने से जो हमारा समय है, हमारी ऊर्जा है, उसको हम प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो वो यूं ही बिखरने लगती है, यूं बिखरने लगती है। तो अपनी समय, अपना समय और अपनी शक्ति का सही दोहन करेंगे, सही उपयोग कर पाएंगे, और सही कहना चाहिए तो क्या होगा कि अपने उद्देश्य को पाने के लिए उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी करते चले जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको भी महत्वपूर्ण मान के काम करते चले जा रहे हैं। इसलिए ये जो हमारा स्वयं के प्रति ये निर्धारण होगा, जिसको कह रहा हूं मैं कि मिशन स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात लिख दें, बैठे और शुरू कर दें, नहीं, इसमें एक गहरे आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी, ध्यान पूर्वक विश्लेषण की जरूरत होगी, सुविचारित अभिव्यक्ति तथा अक्षर कई बार लिखे जाने की जरूरत पड़ेगी, और तब कहीं जाकर के इसका अंतिम रूप बनेगा, तब बनेगा। और बीच बीच में इसकी जांच करनी होगी कि जो मैंने किया है फिर से उसको और उसको दुरुस्त करते रहेंगे। और उसके साथ में मैंने कहा ना, उसमें अपने ही जीवन को मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा, क्या मैंने जो निर्धारित किया उसके अनुसार जी रहा हूं, रोज रोज जी रहा हूं, और नहीं तो फिर से दुरुस्त कर लें। और मैंने एक बार और कहा था, जब यहां तक के जब फ्लाइट भी ऊपर उड़ती है ना, वो भी कई बार दिशा भटक जाती है, मौसम के नाते, कई बार तकनीकी गड़बड़ी के नाते, और कई नाते से, लेकिन फिर भी उनका उद्देश्य सही रहता है, एक मंजिल सही होती है, तो चाहे दाएं बाएं थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं और अपने मंजिल में ही वो लैंडिंग कर ले जाते हैं। ऐसे ही कभी किसी कारण से हमें भटकाव आ भी जाएगा, लेकिन चूंकि हमारे पास एक निश्चित संविधान है, तो फिर से हम अपने ट्रैक पर आकर के अपनी मंजिल में हम पहुंच ही जाएंगे। तो दोबारा स्क्रिप्ट लिखने का जो मैं एक दिन कहा था कि एक उदाहरण बताऊंगा। ये मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात की आत्मकथा में मिलता है। सादात को बचपन से ही इजराइल से नफरत करना सिखाया गया था, वो मिस्र के राष्ट्रपति थे, तो इजराइल के प्रति उनको शुरू से ही नफरत करना सिखाया गया था। दिल की गहराई में बोई गई इस नफरत की स्क्रिप्ट से उनका लालन पालन किया गया था। इसी वजह से उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर क्या वक्तव्य दिया था, जब तक अरबों की एक इंच भूमि पर भी इसराइल का कब्जा रहेगा, तब तक किसी इसराइल से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और जानते ही, इस आवाज को सुन करके देशवासी लोग भी मंत्र की तरह दोहराते थे, कभी नहीं, कभी नहीं, और कभी भी नहीं। उन्होंने इस स्क्रिप्ट के माध्यम से पूरे देश की ऊर्जा को और इच्छा को एकजुट कर दिया था। मतलब एक राष्ट्रवादी तो है ये, लोगों को एक रूप में बनाना, लेकिन आगे चल करके उनको पता चला कि ये गलत है। और ये कब पता चला ये भी बताऊं, कब पता चला, जब वो जेल में थे, जब वो कैरो केंद्रीय जेल के 54 नंबर की कोठरी में अकेले कैद थे। और क्यों हुए थे, सम्राट फारूक के खिलाफ साजिश रचने के अपराध में उन्हें यह सजा दी गई थी। लेकिन वहां वो अकेले में अपने मस्तिष्क को खाली करना सीखा, ध्यान की गहन प्रक्रिया में जाकर के, और साथ साथ में धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रार्थना की, और फिर उन्हें पता चला ये ठीक नहीं है, ये नफरत ठीक नहीं है, और फिर उन्होंने दोबारा स्क्रिप्ट लिखी।
और उन्होंने क्या लिखा, वे लिखते हैं कि जेल की काल कोठरी से बाहर निकलना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा था, क्योंकि क्योंकि वही वहीं पर उन्हें यह एहसास हुआ था कि सच्ची सफलता खुद को जीतने से मिलती है। सच्ची सफलता का अर्थ यह नहीं होता कि आपके पास वस्तुएं हों, बल्कि इसका अर्थ स्वयं को जीतना और स्वयं पर नियंत्रण होना है। कमाल की बात है, कैसे इंसान इन सब चीजों को कहां बैठ करके इस चीज की उन्होंने कल्पना की और कैसे अपने भीतर में इसका बदलाव किया। उन्होंने इसराइल के प्रति अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिखी। उन्होंने यरूशलम में इसराइली संसद ने सेठ की यात्रा की और विश्व इतिहास के अभूतपूर्व शांति आंदोलन में से एक की शुरुआत की। यह एक साहसिक पहल थी जिसकी वजह से अंततः कैंप डेविड समझौता हुआ। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं, न मैं इसका अध्ययन करता हूँ। जो दूसरे लेखक लोग लिखते हैं उसको मैं पढ़ के आपके सामने बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। जो इतिहास के लेखक होंगे या जो इस प्रकार के अध्ययन करते हैं उनके बारे में वो अच्छी तरह से जानेंगे, जो राजनीति पढ़ते हैं या इस सब विषयों को पढ़ते हैं। लेकिन ये बात पढ़ करके मुझे ये टच कर गई कि कैसे कैसे लोग फिर से परिवर्तित करते हैं। साधु का कपड़ा नहीं पहने थे, एक राजनेता थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री मेनाखेम बेगिन के साथ मिलकर इजराइल और मिस्र के बीच में उन्होंने यह संधि वार्ता की थी जिसको डेविड कैंप डेविड समझौता कहा गया था। तो हुआ क्या, ये पुस्तक कहाँ से, ये बातें मैंने कहाँ से ली है, जो द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल जिसको जिसने स्टीफन कवि ने लिखा है, स्टीफन आर कवि ने वो सातवीं सात आदतें लिखी वहाँ पर। उसके पश्चात उन्होंने आठवीं आदत कई साल के बाद लिखी। अब आठवीं आदत, सातवीं आदत में इसका वर्णन बाकी नहीं है। अब सातवीं आदत में उन्होंने आठवीं आदत में लिखी है कि जब वो राष्ट्रपति, एक प्रकार से बहुत पॉपुलर थे वो वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में, जब तक नहीं बदले, लेकिन फिर भी वहीं रह करके अपने आप को उन्होंने बदला। और क्या किया, एक बार कहीं वो गए थे तो उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात हो गई। इसका मतलब बहुत लंबा समय की नहीं है बात, और इनको भी अभी कुछ पहले ही उनका शरीर छूटा है स्टीफन कवि की। तो क्योंकि 2004 में उन्होंने भूमिका लिखी, अभी वो प्रिंटेड है। इसका मतलब ये सात करीब 15 या 16 में ही उनका शरीर छूटा, 12 13 14 को कभी शरीर छूटा है उनका। इसका मतलब बहुत पहले की बात नहीं है। तो उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात है, उन्होंने पूछा कि क्या अनुभव है सादात अनवर सादात के संबंध में, और खास करके उस समय जब वह उस संधि वार्ता के लिए वह इसराइल जाना चाहते थे। तब उन्होंने पत्नी ने क्या कहा उनके साथ में, अपने पति के हृदय परिवर्तन पर यकीन करने में काफी मुश्किल आई थी, खास करके जब उन्होंने पहले इसराइल के विरोध में इतना कुछ कहा और किया हुआ था, इतना कहा था और कितना किया था, और उस समय जब हृदय परिवर्तन हुआ तो मुझे बहुत मुश्किल आई थी, कैसे ऐसे हुआ इनमें कहा करके। फिर उन्होंने क्या फिर कहा कि क्या हुआ, तब बताया उन्होंने कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे पता चला है कि आप इजराइल जाने को सोच रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ, कह अब तक इतना कुछ करने के बाद क्या आप ऐसा कर सकते हैं। पत्नी ने क्या कहा, इतना कुछ करने के बाद क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तब उन्होंने क्या कहा, मैं गलत था और यह सही काम है जिसे करना ही है, मैं गलत था। साहब ये जो एक्सेप्ट है ना, हम नहीं स्वीकारते हैं कि मैं गलत था। उसने क्या कहा, मैं गलत था और यह अब सही काम है जिसे करना ही है। फिर क्या कहा उन्होंने, आप अरब जगत का नेतृत्व और समर्थन गंवा देंगे। अब उनको बता रहे हैं जब ऐसा करेंगे ना, मतलब जिनके घोर विरोधी दुश्मन, अब कोई पाकिस्तान से जैसे हाथ मिलाने जाए, कहने चले चलो भाई
संधि वार्ता करते हैं। तो ऐसे ही कि जैसे ऐसा करेंगे तो आप अरब जगत का नेतृत्व और समर्थन गंवा देंगे, तो क्या कहा, हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। फिर उन्होंने कहा आप राष्ट्रपति पद भी गंवा देंगे, यह भी हो सकता है। उन्होंने कहा यह भी हो सकता है, आप अपना जीवन भी गंवा सकते हैं। देखो आगाह कर रही श्रीमती उनकी, जहां सादात मैडम, जहां सादात। उन्होंने क्या कहा कि आप अपना जीवन भी गंवा दे सकते हैं। आपको मैं बताना भी चाहूंगा कि सचमुच एक हत्यारा ने उसे गोली मारकर ही हत्या की थी, एक हत्यारे ने उनको गोली मारकर ही हत्या की थी। तो फिर उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने कहा कि जीवन गंवा सकते हैं, तब क्या कहा कि उन्होंने प्रतिक्रिया दी, मेरा जीवन पहले से निश्चित है, यह जितना है उससे न एक मिनट ज्यादा न एक मिनट कम हो सकता है। कौन कह रहा है पता है, वो राष्ट्रपति, समझ रहे। ये पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं आंखें बंद कर देता हूं और सोचने लगता हूं, अपने को सोचता हूं मैं कहां हूं। ऐसा लगता है जैसे उनके पैर के नाखून के पास भी नहीं। क्या कहा, मेरा जीवन। और उनको देखो कितनी बड़ी घटना घट रही है, सुनने में उतना नहीं लगा गया ना, लेकिन समझ रहे हैं उस समय की बात क्या। उनकी पत्नी खुद कह रही है तुम जीवन गंवा सकते हो, वो सावधान कर रही है। तो उन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं, मेरा जीवन पहले से निश्चित है, यह जितना है उससे न एक मिनट ज्यादा न एक मिनट कम हो सकता है। और यही बात अब्राहम लिंकन के संबंध में लोग आगाह करते रह गए कि नहीं आप ऐसा ना करें, आप और सुरक्षा बढ़ाएं। उन्होंने कहा मैंने अपने जानते देश के लिए राष्ट्र के लिए सबसे अच्छा किया है, और इसके बावजूद कोई राष्ट्र का आदमी मुझे यही सजा देना चाहे तो मैं स्वीकारता हूँ। और सचमुच जब वो थिएटर में गए थे अपने परिवार के साथ में और वहीं उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। आप पढ़ सकते हैं गुरुदेव जी की बात, मैंने अन्यत्र भी पढ़ा है उसको। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा जब वे वहां से संधि वार्ता करके जब लौट रहे तो हवाई अड्डा में क्या हुआ, हवाई अड्डा से आते तक जहां हमारा निवास था वहां तक आते तक राष्ट्रपति भवन तक के आधे घंटे का वक्त लगता है, लेकिन उस दिन जानते हैं क्या हुआ, लाखों लोग वहां इकट्ठे थे, लाखों जनता इकट्ठी थी वहां पर अरब के, और वहां से आने में इतनी भीड़ थी सड़कों पर हाईवे पर 3 घंटे लगे, और वही लोग जय जयकार राष्ट्रपति की जय जयकार की नारा लगा रहे थे। और बात समझ रहे हैं, वही लोग एक सप्ताह पहले क्या हुआ था, वही लोग एक सप्ताह के पहले ठीक विपरीत नीति के लिए उनकी जय जयकार की नारा लगा रहे थे, और अब जब संधि वार्ता करके लौटे तब भी जय जयकार की नारा वे लोग लगा रहे थे। मतलब जनता को पता थी कि सादात वही काम कर रहे हैं जो सही था, और जनता यह बात जानती थी। ये सामान्य बात नहीं है, अपने दिल में डर के सोचें, इतना बड़ा काम करना, इतने बड़े विचारों का परिवर्तन करना, उनको लगा कि नहीं ये नफरत है, ये घृणा है, इसके साथ मुझे नहीं जीना है, इससे ऊपर उठ करके जीना है। और जा करके उन्होंने निश्चित रूप से क्षमा याचना की होगी, संधि वार्ता की है, प्रस्ताव किया, और जिसके एक प्रकार से जीवन को खतरे में डाल करके उन्होंने ये काम किया। हम सोचें हम कितना कर पाते हैं।